आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैं मनाली माल रोड पर कुछ होटल्स के रिव्यू दूंगी और उनके ओनर से भी बात करने का प्रयास करती हूँ मैं। और पूरा रूम दिखाऊंगी और वॉशरूम, क्लीनिंग कैसा है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक होटल है, होटल प्रीमियर। यहाँ पर हम लोग 2 साल पहले रुक चुके हैं। यहाँ का स्टाफ सपोर्टिव है, अच्छा है। और हम रूम देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। और रूम का चार्ज 600-700 ऐसे ही आएगा। और ये मेन माल रोड के बगल में जो रास्ता जाता है, 2 कदम की दूरी पर है। आप पैदल आ सकते हैं और पूरी रात माल रोड घूम सकते हैं। और अपने होटल में आप कभी भी जा सकते हैं, 9-10 बजे रात तक भी आप जा सकते हैं। क्या रेट है? चेक इन टाइम 12 से 12 रहता है। अच्छा, आप चेक इन कभी भी करो, चेकआउट टाइम होंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स कि रूम क्लीन है, वॉशरूम भी क्लीन है। और होटल मेन मार्केट में ही है, माल रोड पर है। तो आप के लिए अच्छा है अगर आप 2-3 दिन रुकना चाहते हैं। तो यहां से आपको प्राइवेट टैक्सी और HRTC की बसेस सब आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए ये होटल ठीक है। और होटल का चार्ज 600-700 है। और हाँ, यहाँ से माउंटेन व्यू तो नहीं दिखेगा आपको, ये इसका एक एडवांटेज है। लेकिन इसका मेन एडवांटेज ये है कि होटल न्यू मनाली माल रोड पर है। और आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आसपास के बहुत सारे होटल्स आपको दिख जाते हैं। और सब होटल्स में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अगर होटल बुक करते हैं तो मेरे इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि आप मेन माल रोड पर ही हैं, कहीं बहुत अंदर नहीं हैं। सामने एक होटल है, होटल डायमंड। और होटल डायमंड भी है, बगल में ही है। यहाँ बाइक रेंट पर भी मिलती है आसपास ही। और एक दूसरे होटल में हम प्रयास कर रहे हैं। 600 में? अरे तो वैसे ऑफलाइन कैसे मिलेगा? होटल तशीरा। सर रूम रेंट पे देते हैं? जी रूम रेंट पे है। ओह सॉरी, होटल। हाँ, क्या रेट है? कितने हैं आप? दो लोग, हस्बैंड वाइफ। मिल जाएगा, देख लो, फर्स्ट योर चेक देन डिसाइड। ओके। इस होटल का रूम हम लोग देखने जा रहे हैं। और होटल 3 फ्लोर में है और हम लोग जा रहे हैं 3rd फ्लोर पर। 600 पर डे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप 2-3 दिन अगर रुकेंगे तो ये रूम का चार्ज थोड़ा सा कम कर देंगे। और 1 दिन अगर लेंगे तो 600 चार्ज है। तो आप नीचे भी ले सकते हैं रूम और ऊपर भी ले सकते हैं। हेलो, हाँ भैया, क्या रेट है आप? इधर माल रोड है। तो इसका भी रूम काफ़ी क्लीन है, टीवी है और शीशा है तैयार होने के लिए, बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस होटल में आपको बालकनी भी मिलती है।
तो अच्छा है और माउंटेन व्यू भी देखने को मिलता है, मार्केट भी है, तो आई थिंक बजट में और अच्छा होटल है ये होटल तसीला। और अब नीचे जाने का प्रयास करते हैं हम लोग और बात करते हैं, देखिए इनके ओनर से, और आप समझ जाएंगे इनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर हाँ। कैसा है। साइकिल भी देते हैं क्या? साइकिल देते हैं क्या? नहीं नहीं, आपका पर्सनल है। क्या रेट है? 0 बन। कितने दिन रुकना है आपने? दो तीन दिन। अलग अलग है क्या? अभी वो इधर से रिंगा टेम्पल पे करना है। गाड़ी आपके पास है? नहीं, बस में आए आप? नहीं, हाँ बस में आए थे। अच्छा, वो ऑनलाइन किया था ना? ऑनलाइन बुक किया। तो वहाँ क्या ऑनली वन नाइट का था आपका? नहीं, वहाँ का मेरा दो दिन का था। अच्छा, लेकिन थोड़ा दूर पड़ रहा है। दूर पड़ रहा है? कौन सा होटल है? होटल ये हड़िंबा पैलेस। हाँ, वो तो हड़िंबा रोड पे है। हाँ। अच्छा, आपको मार्केट में चाहिए? हाँ। कैसा चाहिए आपको? नॉर्मल प्राइस में चाहिए? टीवी से अच्छा चाहिए? ये जो अभी देखा है कितने का? ये पड़ेगा सर आपको 800। और कुछ डिस्काउंट नहीं? अगर आपको दो दिन रुकना है तो हो जाएगा 700। अच्छा, कोई अगर हफ्ते भर रुके तो? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, बात करने में सपोर्टिव लग रहे हैं ये भी होटल तसीला के ओनर, और ये बोल रहे हैं कि अगर आप दो तीन दिन रुकते हैं तो ये 100-200 रुपए कम कर देंगे। मंथ 1200 रुपए होता है तो 1100 रुपए कर देंगे। और हम लोग जिस होटल में रुके हैं, होटल हडिंबा पैलेस, उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बुरा है। वहाँ पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और होटल न्यू मनाली माल रोड पर मैंने आपको बहुत सारे होटल्स दिखा दिए, आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप अगर मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत सारी गाइड मिल जाएगी कि हम लोग कैसे दिल्ली से मनाली पहुँचे, कितने चार्ज लगे हमारे, और हम लोग और कौन से होटल्स में रुके हैं, होटल्स के रिव्यू भी मैंने दिए हैं, ओल्ड मनाली का भी रिव्यू दिया है, और भी बहुत सारी जगह में घूमने जाना है उसका भी मैं बनाऊँगी वीडियो, और न्यू मनाली का ही अभी मैं बनाऊंगी वीडियो इसके अगले एपिसोड में भी। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे होटल्स के, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके भी नंबर मैं दे देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, बात करके आप संतुष्ट हो जाएं जब भी आप मनाली आएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।